जैन मुझको ये बताएं कि आज जो सर्वे आ रहे हैं और जो क्योंकि जो प्रकाश भंडारी बता रहे हैं वो एक अलग स्टोरी है और सर्वे बिल्कुल एक अलग स्टोरी है, वो क्या है आप मेरे को बताएं। जी जो सर्वे में जितने फिगर्स जो देखा जा रहा है ये राजस्थान जैसा या केरल जैसी जो जगह है जहाँ पर यूजुअली जो है चेंज होता रहता है, यहाँ कुछ दिक्कतें आती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, इसमें जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सर्वे किया गया है कुल मिलाकर अगर 200 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रफली 2.5 लाख से 3 लाख वोटर्स होते होंगे। लेकिन कुल मिला के जो है एक एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अगर एवरेज देखे तो 70 वोटर से बात किया गया है जी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इस तरह के जो जो ओपिनियन पोल किए जाते हैं, जो सर्वे किए जाते हैं, ये बहुत बहुत करीबी करीब का एक वो फिगर्स आपके सामने ला के देता है। मैं पहले थोड़ा सा बता दूं, यहाँ अगर आप मुझे मौका दे तो पहले तो राजस्थान को बांट लिया जाता है अपने क्षेत्रों में, जो वहाँ के रहने वाले उन लोगों को पता होगा। जैसे मेरे ख्याल के मैं पूर्वी राजस्थान में हरौती नाम का क्षेत्र है या पश्चिम में मेवाड़ और शेखावटी इलाके में बांटते हैं मेवाड़ को। नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। आप पॉलिटिकली अपने मर्जी से आप बांट सकते हैं, लेकिन जो जो ये स्टडीज होते हैं, जो रिसर्च होता है, उसमें पहले वो ज्योग्राफिकल एटलीस्ट 4 या 5 भाग में बांटते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्टेट। यहाँ जो है इनको बांटा गया है 4 सेक्शंस में, उसके बाद फिर एक एक सेक्शन में कहीं 3 कहीं 5 ऐसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी आते हैं। एक एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी फिर आप मान के चलिए 6-7 विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं। उसके बाद जो है वहाँ के जैसा मैंने कहा 2.5 से 3 लाख जो वोटर्स होते हैं उनमें से 70 एवरेज जो है बांटा, उसमें चुना गया और उनसे कुछ क्वेश्चंस किया गया जिससे कि पता ये लगता है कि सिर्फ वो किनको वोट डालेंगे ये नहीं। कभी कभी क्या होता है कि ये राजनीतिक पार्टियां जो होती है वो चाहते हैं कि क्यों डालेंगे, क्यों मुझे नहीं देंगे या क्यों मुझे वोट डालेंगे, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा बुरा काम किया, वो भी पता करते हैं। या अगर कुछ वहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, जैसे भाजपा ने एक अंदरूनी मुझे जहाँ पता चला कुछ दिन पहले कि एक उन्होंने भी एक स्टडी की है राजस्थान में, तो वहाँ उन्होंने कुछ 50-200 में से कुछ 50 में वो थोड़ा सा अधिक जोर लगाने का कुछ प्लान कर रहे हैं। उसमें से खासकर 19 या 20 ऐसे सीट हैं जिस पर कि वो खासा जो है बाहर से भी सीनियर लीडर्स को ला के वहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो उनको ये एक प्रभारी के रूप में वहाँ पर वो इंचार्ज होंगे वहाँ पर, जो कि ओवरऑल वहाँ का ये असेंबली सेगमेंट को वहाँ पर वो देखेंगे। तो इसीलिए जो मैंने कहा कि जहाँ पर ये उलट फिर होता रहता है, जैसे केरल है, राजस्थान है, ऐसे जगह पर बहुत मुश्किल होता है इस तरह का काम करना। तो फिलहाल अगर हम देखें तो पिछली बार मेरे ख्याल से भंडारी जी ठीक बता पाएंगे, करीब 1% का डिफरेंस था कांग्रेस और बीजेपी के बीच। फिर भी कांग्रेस ने सरकार वहां पर बनाई, कुछ उनको सपोर्ट भी मिले थे कुछ पार्टी से। लेकिन सबसे मज़ेदार बात है, ये भी भंडारी साहब बता रहे थे हमारे को कि चेहरा जो है वो मोदी जी का ही होगा। अब देखिए जिस आप स्टडी की बात कर रहे हैं, जिस ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पर करीब मेरे ख्याल से 35% करीब लोग वो अशोक गहलोत को मांग रहे हैं अपने मुख्यमंत्री के रूप में। और वहाँ वसुंधरा राजे, जो कि मुझे अभी तक लग रहा है कि वो कहीं रेस में है नहीं, उनको 25% लोगों ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने लायक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और आगे जाए तो इनको प्रॉब्लम्स क्या है वहाँ पर, 28% ये कह रहे हैं कि जो दाम जो बढ़ रहा है, जो सामान का जो दाम बढ़ रहा है उसके लिए वो चिंतित है। उसमें से अगर आप देखें उसी के पास करीब 27% लोग, उनका ये कहना है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद करप्शन, ये सारे आते हैं। लेकिन जहां मोदी जी का नाम आता है वहां पर मोदी जी को के सपोर्ट में करीब 55% जो है वो उनको पूरी तरह से कहते हैं कि मोदी जी सही काम कर रहे हैं, और उसके साथ कुछ 27 के लगभग जो है वो कहते हैं कि हाँ ठीक ही है, मतलब पूरा नहीं है।
तो आप देखिए 80% से ज्यादा जो है जो कि महंगाई जो कि बेरोजगारी से चिंतित है वो ये कह रहे हैं 80%। और ये याद रखिएगा कि जिन लोगों से ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सेम लोग होते हैं, एक ही बार में वो जो है 10-20 क्वेश्चन लेकर जाते हैं। तो बेरोजगारी और महंगाई के बावजूद भी वो मोदी का चेहरा जो है वो देखना चाहते हैं। तो ये जो अभी जो बात हो रही थी कि मोदी जी को ही लेके चलेगा भाजपा, तो ये कुछ हद तक पूरी तरह ये सही बात है। वो वहाँ पर कोई लोकल कोई चेहरा वो मेरे ख्याल से कोई ढूंढने के मूड में वो है नहीं। तो मैं वापिस आता हूँ एक बार फिर से इसी मुद्दे पर कि जहाँ पर अगर आप देखें जो अभी जो सिचुएशन वहाँ पर है वो अगर आप भाजपा का अंदरूनी अगर आप जिसकी बात मैं कर रहा था जो उन्होंने एक स्टडी की है वहाँ के 200 सारे असेंबली सेक्शंस में, इसके अलावा जो प्राइवेट जो चैनल्स वगैरह जो अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कराते हैं ओपिनियन पोल, उसमें अगर आप देखें तो एक बढ़त दिया गया है भाजपा को, जहाँ की करीब 35-36 से लेके 40-42 तक सीट का जो है फर्क पड़ रहा है जो कि भाजपा को फायदा होने वाला है। लेकिन अगर आप प्रतिशत के रूप में देखें, जहां 1% से पीछे चल रही थी भाजपा मतलब पीछे थी और हार गई थी पिछले चुनाव में, वहां पर 5-6% वोट जो है वो इस बार ज्यादा दिया गया भारतीय जनता पार्टी को। तो अगर ओवरऑल देखा जाए और अगर जो मैंने कहा वो 2.5-3 लाख के जो वोटर्स है उसमें से 70 एवरेज एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ उसकी बातों पर अगर आप यकीन मानते हैं, तो अभी जो जो कहना है ये सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पलना जो है थोड़ा भारी है जी अनिल जी। लेकिन जयंत मैं आपको बताऊं 1885 लोगों का सैंपल साइज है और इस सैंपल साइज में 7 करोड़ लोग 7.25 करोड़ लोग लगभग हैं इस सैंपल साइज का। 14,085 जी। तो अब आप ये समझिए जी, लेकिन आप ये समझिए कि टोटल 7 करोड़ की आबादी में सैंपल साइज क्या मैटर करता है। मैंने वही कहा कि लगभग एवरेज 70 वोटर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा और पूरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहूंगा कि ये 70 जो क्वेश्चंस जो जवाब देते हैं उसके भरोसे जो प्रेडिक्शन होता है वो लगभग मैंने ज्यादातर जो है वो सही होता है। आप मुझे बताएं कि जो सवाल मैं कर रहा था कि ये जो राजनीति की सीरियसनेस है ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। मैं आपके प्रश्न को समझा नहीं, राजनीति के मैं ये कह रहा था कि इस चुनाव में जिस तरह से ये सारा का सारा काम चल रहा है उसको देखते हुए हमको लगता है कि जो राजनीति की सीरियसनेस है वो खत्म हो रही है। जी डेफिनेटली वो तो बात सही है, क्योंकि आज के दिन में अगर आप देखिए कि सारे ये कैंपेन जैसे अभी एक कंपनी की नाम अभी सामने आया, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, जो कि पहले कर्नाटक में भी काम किया था। तो पहले जो है हम सेफोलॉजी की बात करते थे, सेफोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद जो ये सारा जो कैंपेन मैनेजमेंट जो है ये जो एक स्ट्रक्चर बनाने का जो काम है ये अब जो है दूसरे के हाथ में दे दिया जाता है, प्रोफेशनल के हाथ में दे दिया जाता है, जो कि देखते हैं कि अभी आम स्थिति क्या है रास्ते का या मोहल्ले का। ये मैंने असेंबली सेगमेंट तो छोड़ दीजिए आप, वो मोहल्ले ब्लॉक और इवन जो आज भाजपा में जो है पन्ना प्रमुख एक एक जो वोटर लिस्ट के जो एक एक पेज होते हैं उस वहां तक वो जाते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर। बहरहाल दूसरी जगह जो आपने राजनीति की बात कही, जी हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें हमारे यहाँ अभी जो है बात हो रही थी, मैंने भी इसका जिक्र किया जो कि ये ओपिनियन पोल में पूछा गया था, जो जो मुद्दे होते हैं बेरोजगारी है महंगाई है करप्शन है ये सारी चीजें जो है इससे ज्यादा जो है हम आज के दिन में नेशनलिज्म और रिलीजन की बात कर रहे हैं। तो एक डिसरप्टिव प्रोसेस जो है नए तरीके का डिसरप्टिव प्रोसेस या डिसरप्शन पहले भी आया है, बिहार में लालू जी ने ये इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद बंगाल में ममता बनर्जी ने इसको इस्तेमाल किया दूसरे तरीके से, लेकिन अभी का जो ये डिसरप्टिव प्रोसेस जो है ये राजनीति को बिल्कुल जो है एक नए क्या कहेंगे उसको एक नए मोड़ पर ला के खड़ा कर दिया है। और अनिल जी जो आपने प्रश्न किया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है, कारण ये है कि आज का जो ये राजनीति है जिसके भरोसे ये राजनीति अभी हो रहा है, जैसे ये नए नेता या जितने भी ये जो वेल नोन फेसेस जिसको कहते हैं,
यहाँ पर एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, जो अभी बात हो रही थी कि आपने भी ये प्रश्न किया कि क्या ये अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा, तो वो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ अशोक गहलोत जो वहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने इतने सारे वहाँ पर भांति भांति के जो है वहाँ योजनाएं या वहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने लाया है वहाँ के लोगों के लिए, उनको मिले हैं करीब 47% फेवरेबल वोट्स, जो ये जो ओपिनियन पोल हुआ वहां पर। अगर आप देखें कि जो कि प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जो सेंटर में है, उनको जो है दोनों को मिलाकर, मतलब बहुत खुश हूं और थोड़ा बहुत खुश हूं, 80% से ऊपर लोग उनको बोल रहे हैं कि उनका काम बहुत अच्छा है। तो ये इसलिए हो रहा है, जैसे कि बाकी वक्ताओं ने इनके बारे में बात की, कि जो हम समझते हैं, जिस तरीके से हम राजनीति को देखते हैं या अपना सोसाइटी को देखते हैं, जो हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की, योजनाओं की, काम का, सरकार का, मेरे ख्याल से संजय जी आ गए हैं, मेरे ख्याल से वो इस पर अच्छा।